नमस्कार, अन अकेडमी लाइव MBBS क्लासेस में मैं अरविंद सिंह सभी भावी अधिकारियों का सुबह 9 बजे क्लास में दिल से स्वागत करता हूँ। कल क्लास नहीं हो पाई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इसके पीछे एक कारण ये रहा कि एक तो बिजली नहीं आई, दूसरा चंबल संभाग में जो मौसम की खराबी रही उसका संयुक्त परिणाम कहा जा सकता है। हम लोग MBBS 2020 मेंस की सीरीज के अंतर्गत भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है हिमालय का महत्व। यह टॉपिक विशेष रूप से जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आज की क्लास में सिर्फ सुनने वाली कहानी होगी। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो मैं फोटो दिखा के माहौल बनाता जाऊं, तो आप ध्यान से सुनिए हेडफोन लगाकर, और जहां भी प्रॉब्लम आए वहां पे आप नोट डाउन करते जाइए, और जो नया टर्मोलॉजी मिले उसको समझना कि सर आगे की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आप हिमालय का महत्व लिखने जाओ तो निम्न बिंदुओं के आधार पर आप अपने उत्तर का आयाम खींचेंगे और कुछ प्रमुख तथ्य उससे निकालकर अपना उत्तर फॉर्मेट करेंगे। जैसे हिमालय का महत्व तो एक डायमेंशन ये रहेगा कि सर जलवायुविक महत्व तो क्या होगा, पारिस्थितिक महत्व तो क्या होगा, आर्थिक महत्व तो क्या होगा, और इसी क्रम में मैंने लिखा हुआ है जो आपको दिख रहा है। इनके सबके हम आयाम के आधार पर कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला देखते हैं जलवायुविक महत्व। तो इसके लिए हमें यह समझना होगा कि हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में जो भारत है, तो यह भारत वास्तव में लगभग 93% तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आना चाहिए और शेष 6 से 7% या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आना चाहिए, क्योंकि 30 से 60 डिग्री हमारे पास एक्स्ट्रा है। लेकिन फिर भी भारत को पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश में शामिल किया जाता है। इसके पीछे का एक ही कारण है, वो है केवल हिमालय की अवस्थिति। तो महत्व तो उसके प्रारंभ के परिचय में ही स्पष्ट हो रहा है। चलिए देखते हैं, डायमेंशन बनाने की कोशिश करते हैं। हमको ये मालूम है कि जो हमारा भारत है उसमें उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पूरा प्रभाव प्रदर्शित होता है, और भारत में 4 समय काल में वर्षा होती है। जैसे प्री मानसून वर्षा जो अभी शुरू हो रही है, फिर उसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा, फिर होती है उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा, और लास्ट में होती है दिसंबर जनवरी फरवरी के बीच में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा। तो क्या भारत के मानसून और हिमालय के बीच में कोई अंतः संबंध है? जी हाँ, यही अंतर संबंध हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे जब मानसून की क्लास पढ़ेंगे। क्योंकि आज की क्लास में हिमालय का महत्व है, तो हमारा जो चर्चा होगा वो हिमालय के ऊपर है, ना कि मानसून के ऊपर। तो जो टर्मोलॉजी समझ में नहीं आया वो समझ लेना, अगली क्लास में समझाया जाएगा। तो अब समझना आप कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वह कन्याकुमारी से टकराकर दो बराबर भागों में या दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। इसकी एक शाखा जाती है अरब सागर और दूसरी शाखा जाती है बंगाल की खाड़ी। इसीलिए दक्षिण पश्चिम मानसून की इस शाखा को अरब सागर की शाखा और इस शाखा को बंगाली खाड़ी की शाखा के नाम से जाना जाता है। अरब सागर की शाखा की विशेषता यह है कि यह पर्वतीय वर्षा कराएगी, और बंगाल खाड़ी की शाखा की विशेषता यह है कि यह चक्रवाती वर्षा कराएगी। पर वर्षा कराने के लिए आर्द्रता का होना जरूरी है। आर्द्रता का मतलब वायु के अंदर उपस्थित जलवाष्प। आप फैक्ट ध्यान से सुनना, दोनों शाखाओं में अरब शाखा के अंदर सबसे ज्यादा आर्द्रता होती है, तो वर्षा भी इसी को करानी चाहिए थी। यानी अरब शाखा में बंगाल खाड़ी की अपेक्षा ज्यादा आर्द्रता है, इसमें कम आर्द्रता है, फिर भी बंगाली खाड़ी इसकी अपेक्षा ज्यादा वर्षा कराती है। कारण कि जब यह अरब सागर की शाखा आर्द्रता लेकर जा रही होती है तो यह पर्वतीय वर्षा कराने के लिए मजबूर है, और पर्वतीय वर्षा में क्या होता है कि पर्वत की एक ढाल के ऊपर आर्द्रता युक्त वायु आरोहण करती है, ऊपर की ओर चढ़ती है, और एडियाबेटिक तापीय परिवर्तन से संघनित हो जाती है, और आर्द्रता ग्राहियों की सहायता से वर्षा के चक्रीय प्रक्रम के रूप में गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से पृथ्वी पर अवतरित होती है, जिसे हम वर्षा कहते हैं। लेकिन जब तक आर्द्रता युक्त वायु किसी पर्वतीय क्षेत्र के लंबवत नहीं होगी तब तक वर्षा नहीं हो सकती। जैसे राजस्थान में यह आर्द्रता युक्त वायु अरावली के समानांतर हो जाती है, जबकि बंगाली खाड़ी की शाखा के साथ ऐसा नहीं है। वह चक्रवाती वर्षा कराती है, और चक्रवाती वर्षा कराते हुए अरुणाचल प्रदेश के साइड में जाके, जिसे हम उत्तर पूर्वी राज्य कहते हैं, वह हिमालय के लंबवत जाकर टकराकर पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार करने लगती है। अब आप मुझे खुद ही जवाब दो कि यदि हिमालय नहीं होता तो अरब और बंगाल की खाड़ी की शाखाएं जो क्रमशः पंजाब और अरुणाचल प्रदेश के पास टकरा रही हैं, क्या वो कोरिलस बल और निम्न वायु दाब के कारण उत्तर के विशाल मैदान में वर्षा करा पाती? जी नहीं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि हिमालय दक्षिण पश्चिम मानसून
उत्तर पूर्व मानसून का निर्धारक है। अगर वो नहीं होता तो संभवतः आज उत्तर के विशाल मैदान में बंजर भूमि होती। दूसरा कारण समझते हैं या महत्व समझते हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ है वह पश्चिमी विक्षोभ हिमालय से टकराकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है, उत्तरी शाखा दक्षिणी शाखा। चूंकि यह सर्दी के दिनों में चलता है तो ठंडी जेट स्ट्रीम का प्रभाव है जो उत्तरी भारत पर आके गर्त बनाता है। अगर हिमालय नहीं होता तो पश्चिमी विक्षोभ का बाइफर्केशन नहीं हो पाता, और अगर पश्चिमी विक्षोभ का बाइफर्केशन नहीं होता तो यह नॉर्थ की ओर मूव नहीं करता, विस्थापित नहीं होता, और अगर यह उत्तर के मैदान से नॉर्थ की ओर विस्थापित नहीं होता तो जो ITCZ है, जो निम्न वायुदाब का प्रेशर बनाने वाला एक काल्पनिक केंद्र है, वह उत्तर की ओर विस्थापित नहीं होता। तो जो सागर से चलने वाली जल समीर है वह उत्तरी भारत के क्षेत्र में नहीं आती, और उत्तरी भारत में सूखा पड़ता और दक्षिण भारत में बाढ़ आ रही होती। तो दूसरा महत्व तो ये समझ में आया। तीसरा इसका क्या महत्व जलवायु रूप से, तीसरा ये महत्व है कि अगर हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया के क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाएं आज भारत में पूरी तरह से कोल्ड डिजर्ट बनाने की क्षमता रख रही थी, पर इस प्रभाव को रोकने का काम किया किसने, हिमालय ने। इसके अलावा हमको ये मालूम कि हिमालय के पश्चिम से पूरब की ओर जाते समय जो स्लो लाइन है, जिसे बोलते हैं स्नो लाइन को, मतलब हिमरेखा है, उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। यानी पश्चिमी हिमालय में स्लो लाइन नीचे होता है और पूर्वी हिमालय में स्लो लाइन ऊपर होता है। इसके पीछे के कारण क्या है आप लोग उत्तर में कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। इनको हम डिस्कस करेंगे कहाँ पर, मानसून की क्लास में। तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको ये समझ में आया होगा कि वास्तव में हमें जलवायु के रूप से क्या समझना है। एक और बात ध्यान रखना आप कि जब हिमालय की दक्षिणी ढाल से ये मानसूनी हवाएं उत्तरी ढाल की ओर अवतरित होती हैं, अवरोहित होती हैं, तो यह एडियाबेटिक तापीय परिवर्तन से गर्म हो जाती हैं, जो सेंट्रल एशिया में एक आरामदायक या कष्टदायक किसी भी कंडीशन का निर्माण कर सकती हैं। तो अगर ये चार पॉइंट अगर आप जलवायु में लिख के आते हो तो ये मान लीजिए कि आपका हिमालय का एक महत्व तो क्लियर हो गया। चलिए अब थोड़ा सा दूसरा महत्व के ऊपर बात करते हैं। दूसरा महत्व ये है कि सर हिमालय का पारिस्थितिक महत्व समझाइए। पारिस्थितिक इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस क्या है, तो इसमें फ्लोरा और फौना की बात होगी, मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे इत्यादि की बात होगी। तो हिमालय क्षेत्र में कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो हमें मालूम है कि जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर जाते हैं तापमान में कमी आती जाएगी, क्योंकि अभी वनस्पतियों का टॉपिक नहीं हुआ है तो आपको तकलीफ हो सकती है। तो नीचे जो उसका तराई प्रदेश है, उस तराई प्रदेश में ट्रॉपिकल प्रकार की वनस्पतियां, फिर ऊपर आते हैं तो माउंटेन प्रकार की वनस्पतियां, और ऊपर आते हैं तो अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियां, जिसमें चीड़, देवदार और ओक, फर, अल्पाइन इत्यादि प्रकार के वृक्षों की प्राप्ति होती है। वहीं अगर हम जीव जंतुओं की बात करें तो हिमालय क्षेत्र में कुछ विशेष प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे हिमालयन गॉर्क, हिमालयन ब्लैक बियर, स्नो लियोपॉड, रेड पांडा, हिमालयन ताहिर इत्यादि प्रकार के विशेष जानवर हैं जो सिर्फ इसी क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। अब चूंकि यह विशेष प्रकार के वनस्पतियों और जीव जंतुओं का क्षेत्र है तो इसका संरक्षण करने का काम भी किया जाएगा, क्योंकि इसका एक महत्व होगा अपना। तो इसके संरक्षण करने के काम में हम लोग डिवीजन करेंगे किसका, इसमें कुछ बायोस्फीयर होंगे जो मैं बताऊंगा आपको, कुछ नेशनल पार्क्स होंगे, कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट होंगी, तो उनके बारे में थोड़ा समझते हैं। पहले समझते हैं हिमालय से संबंधित कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो हिमालय तो जम्मू कश्मीर में भी है, तो पहले जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा ब्रीफ दे रहा हूं। जम्मू कश्मीर में चार नेशनल पार्क हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला हेमिस, हेमिस के बारे में समझना। हेमिस ट्रांस हिमालय में स्थित एक नेशनल पार्क है, इसका विस्तार मुख्य हिमालय में बिल्कुल भी नहीं है, पर यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब वो लद्दाख में आ गया। हेमिस भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस में ही सबसे ज्यादा स्नो लियोपॉड पाए जाते हैं। तो आपका थ्री मार्कर्स भी मैं मानता हूं कंप्लीट हो गया हेमिस से रिलेटेड। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। यह पूरी तरह से जास्कर और मुख्य हिमालय के बीच में स्थित है। चिनाव नदी के किनारे यह राष्ट्रीय उद्यान प्राप्त होता है। यह हमारा हो गया किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला है हमारा जिसे हम जो राष्ट्रीय उद्यान अगला जो हमारा अगला होगा
अब उसमें जम्मू कश्मीर में 10 गांवों को मिलाकर एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, जिसे दची गांव कहा गया। तो दची गांव राष्ट्रीय उद्यान मुख्य हिमालय में है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। और विशेषता है यहाँ पे जो हिमालयन स्टैग पाया जाता है, कश्मीरी स्टैग, संगुल हिरन पाया जाता है, वो इसी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। एक और है सलीम अली नेशनल पार्क, हमें मालूम है पक्षी वैज्ञानिक हुआ करते थे पहले। इस नेशनल पार्क का नाम सिटी गार्डन नेशनल पार्क हुआ करता था, अब इसे रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 राष्ट्रीय उद्यान है जिनका संबंध हिमालय क्षेत्र से है और जहाँ राज्य है जम्मू कश्मीर। अब उसके बाद आते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में आपको कई सारे मिलेंगे, जैसे किरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, सिम्बारा राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार के जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है वो सब कहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आता है उत्तराखंड, उत्तराखंड में है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद बल्लभ राष्ट्रीय उद्यान, ये एबीसी में, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह भारत का सबसे प्राचीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान, और ये बद्रीनाथ वाला राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हमारे सब उत्तराखंड में स्थित हैं। उसके बाद हम आते हैं हम लोग सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, फिर आते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश में, तो है इसमें मौली राष्ट्रीय उद्यान, नंदफा राष्ट्रीय उद्यान। ये सब राष्ट्रीय उद्यान जो है जो हिमालय क्षेत्र से संबंधित तो पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण कर रहे हैं। हमें ऐसा अगर कुछ लिख दोगे तो नंबर आ जाएंगे। अब इसमें से कुछ हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत आते हैं, जैसे ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत आ जाएगा, फूलों की घाटी वाला, कंचनजंगा, ये वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत आते हैं। वहीं कंचनजंगा एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नंदा देवी एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और प्लस वह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो इस प्रकार की हमको चीज़ों को दिमाग में रखना होगा कि इसके इकोलॉजिकल पॉइंट पे हम क्या लिख सकते हैं। मैं आपको डायमेंशन दे रहा हूँ तो इसको और अच्छे से आप लोग तैयार कर सकते हो। अब अगला है सर, आर्थिक महत्व में क्या लिखा जाए जिससे हमें नंबर प्राप्त हो जाए। इसमें आर्थिक महत्व की जब भी बात आएगी तो आप देखिए, इसमें आपको खनिज के बारे में लिखना है, थोड़ा सा इसमें वन संपदा के बारे में लिखना है, और फिर थोड़ा सा इसका पर्यटन के बारे में लिखना है। तो पहले पर्यटन की बात कर लो। मुझे एक बात बताओ, जब मैंने आपको हिमालय पढ़ाया था तो पर्यटन के बारे में बताया था, चाहे वो शिमला का पर्यटन हो चाहे वो उत्तराखंड का पर्यटन हो, तो आप लिख दो वैष्णो देवी है, वो भी एक पर्यटन स्थल है। उसके बाद आप शिमला, धर्मशाला, मंडी, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, देहरादून, ये जो क्षेत्र हैं जो अभी आपके पर्यटन स्थल में आ रहे हैं, नाम आ रहा है उनको, डलहौजी इत्यादि, इनको आप उसमें पॉइंट कर सकते हो। 3-4 एग्जाम्पल आप लिख दोगे तो अब नंबर आएगा, पूरा लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है आपको। खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? तो हमको मालूम जम्मू कश्मीर में एंथ्रेसाइट कोयले की प्राप्ति होती है, वहीं भूटान हिमालय में गोंडवाना क्रम के चट्टान से कोयले की प्राप्ति होती है, उस प्रकार का। इसके अलावा अनसेडिमेंट्री रॉक्स से संबंधित खनिज भी इसमें पाए जाते हैं। वन संपदा की बात हम लोगों ने कर ही ली थी कि इसमें इस प्रकार की वन संपदाएं पाई जाती हैं। तो कुल मिला के अगर मोटा मोटा हम इन चीजों को देखेंगे तो ये एक पॉइंट में आराम से हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। अगला है हमारा कृषि संबंधित। तो कृषि संबंधित क्या होता है? भारत तो मानसून, जो भारत की कृषि है वो मानसून का जुआ है भाई। मानसून नहीं आया तो कृषि नहीं होगी। अब भारत को या तो ट्यूबवेल, बोरवेल इत्यादि से, लेकिन जो उत्तर भारत का क्षेत्र है वो इतना कृषि कर सकता है क्यों? उसके पीछे दो कारण है। पहला, जो हिमालय है वहां से सदा नदियों का उद्गम होता है। इसके पीछे कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा, स्नोफॉल होता है, ग्लेशियर्स हैं। 4 पॉइंट हैं। तो अगर हम 4 पॉइंटों से देखें तो जल का स्रोत कभी खत्म ही नहीं हो पाता, इसीलिए हिमालय से निकलने वाली नदियां हमेशा सदा नीला नदियां होती हैं। प्लस जब वो नदियां आती हैं तो वह लंबवत कटाव करते हुए मैदानी भागों में प्रवेश करेंगी। तो सन्निघर्षण और अपघर्षण की सहायता से छोटे छोटे बड़े बड़े बोल्डरों को, गोलास्मों को छोटे छोटे सिल्ट में बदल देती हैं। और सिल्ट क्या है? मृदा का गठन है, स्ट्रक्चर है, टेक्सचर है मृदा का। तो हमको मालूम है कि सिल्ट होता है, सेंड होता है, क्ले होता है। यदि किसी मृदा के टेक्सचर में सिल्ट, सेंड और क्ले को 33-33% ले लिया जाए तो दोमट मिट्टी का निर्माण होगा, जो मिट्टियों में पड़ेंगे हम लोग। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि हिमालय से आने वाली सदा नीरा नदियां जो आ रही हैं मैदानी क्षेत्रों में, वह दो काम कर रही हैं। पहला, जल की आपूर्ति वर्ष भर करती हैं। दूसरा,
आप एक अनुमान से लगाइए कि जो गंगा नदी है वो प्रतिदिन 20 लाख टन सिल्ट का अपरदन करके मैदानी भागों में फैलाती है, जिससे बांगर और खादर, दोमट, जलोढ़ इत्यादि मिट्टियों का क्षेत्रों का निर्माण होता है। तो ये कहीं ना कहीं कृषि से संबंधित बेनिफिशियल है, चाहे वो मिट्टी संबंधित हो, चाहे वो जल की आपूर्ति से संबंधित हो, दो चीजों की अति आवश्यकता होती है। इसका घाटा भी होता है, कोसी जैसी नदियां हैं जो बिसरपट अधिक कर देती हैं, तो बाढ़ जैसी कंडीशन बन जाती है, उसकी एक अलग प्रॉपर्टीज हैं, वो हम अलग समझेंगे। तो आप इसको इस प्रकार से भी यहाँ पे समझ सकते हैं। इसके अलावा जो नदियां मिट्टियां पड़ने के बाद हम लोग पहुंचते हैं सामरिक महत्व। सामरिक महत्व का ये मतलब है कि हम 7 कंट्रियों से घिरे हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, इन कंट्रियों से घिरे हुए। हमारा विवाद भी है काफी लोगों से, जैसे चीन और हिमाचल प्रदेश के बीच में है परिक्षु विवाद, भारत और नेपाल के बीच में है काला पानी क्षेत्र विवाद, भारत, भूटान और चीन ट्रिपल जो ट्राई जंक्शन है डोकलाम विवाद, भारत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है तो तवांग घाटी विवाद, भारत और पाकिस्तान के बीच में वो सियाचिन विवाद, भारत और चीन पाकिस्तान के बीच में वो TKT वाला विवाद, वो अक्षय चीन तो चीन ने ले लिया, तो विवाद तो बने हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ हमारे। तो क्या जो उत्तरी क्षेत्र पर अगर हिमालय ना होता तो सोच कर देखिए, जो कंट्री बनी हुई है हमारी पूरी चाइना, वो तो पूरा का पूरा आक्रमण कर देती। 1962 तक ये माना जाता रहा कि हिमालय सामरिक रूप से हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है और उत्तर से हम पर कोई हमला नहीं कर सकता, लेकिन 1962 अक्टूबर के महीने में चीन ने हमारा ये भ्रम तोड़ दिया, जिससे ये कहा जा सकता है कि सामरिक दृष्टि से हिमालय का महत्व थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन वर्तमान में उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। आज भी जो आर्टिफिशियल बैरियर की जगह जो नेचुरल बैरियर बनाया हुआ है उसका हमें हिमालय का महत्व समझना होगा। तो सामरिक दृष्टि से भले ही 1962 के बाद इसका महत्व कम हुआ हो, लेकिन वर्तमान में इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। हम आगे पहुंचते हैं अन्य चीजों के साथ। यहाँ अन्य चीजों का ये मतलब है हिमालय के अन्य महत्वों में हमेशा क्या कर सकते हैं, क्या डाल सकते हैं जिससे कॉन्सेप्ट बन जाए। अन्य चीजों का मतलब है यहाँ जनजातीय क्षेत्र भी निवास करते हैं, और जनजातियों का जो घर है वो पर्वतीय क्षेत्र ही होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप चाहें उत्तर पूर्वी राज्यों में जाएं या जम्मू कश्मीर में जाएं, तो हमें मालूम है बकरवाल क्या करते हैं, भेड़ पालन करते हैं, कहाँ चराते हैं, सोनमर्ग, गुलमर्ग इत्यादि क्षेत्रों में चराते हैं। तो जो राज्यों की जनजातियां हैं, भोटिया, लेपचा इत्यादि सब, वो सब कहाँ पर हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में बसे हुए हैं, पर्वत उनकी जान है। तो इस हिसाब से एक महत्व इनकी पर्वत जो जनजाति संस्कृति है उसके संरक्षण के रूप में भी इसके महत्व को हम समझ सकते हैं, अन्य बातों में ऐसा डाल सकते हैं। तो मोटा मोटा ये समझ में आया कि हिमालय का अपना एक महत्व है, चाहे वो सामरिक दृष्टि से हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, किसी भी दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसमें और भी कई चीजें हैं। हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं हिमालय से, आप बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, मानसरोवर जाओ, जहां भी हम जा रहे हैं, तो ये सब क्या है, हिंदू धर्म की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, मुस्लिम धर्म की भी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, सभी धर्मों की आस्थाएं इस हिमालय से जुड़ी हुई हैं। तो वो आस्थाओं को देखकर, सामाजिक परिवेश को देखकर भी हिमालय के महत्व को हम नकार नहीं सकते हैं। इसके अलावा हम अगर इसमें हिमालय का कॉन्सेप्ट अगर समझते हैं तो जड़ी बूटियां इत्यादि, इसीलिए शायद उत्तराखंड में पतंजलि को स्थापित किया गया है। तो मैं ये मानता हूँ कि हिमालय का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो आपको समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है कि हिमालय के इस महत्व वाले टॉपिक के अंतर्गत आपको कुछ प्रश्न हैं जो इसमें फॉर्मेट करने होंगे। अब हिमालय का हमारा टॉपिक हो गया है ख़त्म, अब हम लोग कल पढ़ेंगे दर्रे और घाटियाँ। चलिए अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, उन प्रश्नों को आपको जवाब देना है तुरंत के तुरंत। जैसे काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, आंसर K2। मैं 2-2 मिनट का आपसे गैप ले रहा हूं, जिससे 2-2 सेकंड का, जिससे आप उत्तर लिख पाए। अगला, कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच में स्थित है? उत्तर, पीर पंजाल और जास्कर। अगला, कांगड़ा घाटी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? उत्तर, स्ट्राइक घाटी का उदाहरण है। अच्छा, काठमांडू किस प्रकार की घाटी है? उत्तर, खुली घाटी का उदाहरण है। अच्छा, ग्रीवाखंड का उदाहरण कौन सी घाटी मानी जाती है? उत्तर, कश्मीर घाटी को ग्रीवाखंड का उदाहरण मानते हैं। अच्छा, जम्मू ग्लेशियर का संबंध किस राज्य से है? उत्तर, जम्मू कश्मीर राज्य से है। अच्छा, मेघालय का पठार किसका हिस्सा है?
मेघालय के पठार की जो श्रेणियां हैं, गारो खासी जयंतियां, वो किसका हिस्सा है? तो उत्तर मिल ही गया, पठार का हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा नहीं है। दून किसे कहते हैं? उत्तर, लघु हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच में निर्मित ऐसी घाटियां जो नदियों के निक्षेप से, झीलों के अवसान से निर्मित हुई हैं, उन्हें दून कहा जाता है। पश्चिम क्षेत्र में द्वार, पूर्वी क्षेत्र में हो जाएगा। बुग्यार या पयार किसे कहते हैं? उत्तर, उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय और महान हिमालय के बीच में पाए जाने वाले घास के मैदानों को बुग्यार या पयार कहा जाता है। अगला, पीर पंजाल दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? उल्टा बोल दिया, पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल में होगा। अगला बताइए, खारदुंगला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? लद्दाख श्रेणी में स्थित है। अक्षाई चीन का संबंध किस श्रेणी से है? लद्दाख श्रेणी से है। वेरी गुड। चलिए अगला, मुझे कुछ मेंस के क्वेश्चन हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, उन मेंस के क्वेश्चनों को आप आंसर राइटिंग करेंगे, लिखिए। महान हिमालय की कोई पांच विशेषताएं लिखिए, 2020 के अनुसार मेंस का है। महान हिमालय की कोई पांच विशेषताएं लिखिए। अगला लिखिए, पूर्वांचल हिमालय पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, 5 नंबर में, 50 शब्दों में, पूर्वांचल हिमालय पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अगला लिखिए, पश्चिम की अपेक्षा पूर्वी हिमालय की हिमरेखा अधिक ऊंचाई पर प्राप्त होती है, क्यों? पश्चिम की अपेक्षा पूर्वांचल हिमालय की हिमरेखा अधिक ऊंचाई पर प्राप्त होती है, क्यों? अगला लिखिए, अगला लिखिए, कोवर के भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति को समझाइए। अगला लिखिए, कुमायूं हिमालय पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अगला लिखिए, ग्रीवाखंड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। अगला लिखिए, फूलों की घाटी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। चलिए तो इतना आपका होमवर्क रहेगा जो आपको अच्छे से करके आना है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा सोचिए, हो सके तो दूसरों की मदद कीजिए और मन में विश्वास बनाए रखें, मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत।